आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पांसिबल थाने पर नए थाना निरीक्षक हुए पदस्थ, वाहन चालक अपने वाहन रखे अपडेट, थाना प्रभारी। पांसिबल थाना के पूर्व थाना निरीक्षक छगन सिंह बघेल के तबादले के बाद ठीकरी थाने से स्थानांतरित हुए संजू कामले ने नए थाना निरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। पत्रकार वार्ता में थाना निरीक्षक संजू कामले ने कहा, मैं पांसिबल थाने पर पदस्थ हुआ हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र से छोटे बड़े सभी अपराधों पर अंकुश लगाने की होगी। मेरी कार्यशैली से कुछ लोग नाखुश भी होंगे, किंतु बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना मेरा प्रमुख कर्तव्य होगा। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग की उम्मीद करता हूं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कामले ने कहा कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सतत प्रयास होगा। साथ ही नगर में घूम रहे बगैर नंबरों के वाहनों पर नंबर प्लेट होना अनिवार्य किया जाएगा और जनता से अपील की जाती है कि वे अपने वाहन हो सके तो घरों में ही रखें या फिर अपनी गाड़ियों में व्हील लॉक लगाए। साथ ही रात्रि में खुली रहने वाली दुकानों का भी समय सीमित रखा जाएगा। नगर में असामाजिक तत्वों पर भी हमारी पैनी नजर होगी। मनचलों को भी अपने दायरे में रहने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तेज वाहनों चलाने वाले हुड़दंगबाजों को सख्ती से निपटा जाएगा। कामले जी ने आने की खबरों से नगर में उनके कार्यों की खासी चर्चा हो रही है। पांसिमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। सर, आपको आए हुए 2 ही दिन हुए और आपने सख्ती से चालानी कार्यवाही शुरू की। हाँ, इस थाने मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मैंने आके यहाँ के कागज सब देखे थे। यहाँ मुझे मालूम लग गया, एक तो चोरियाँ अधिक हो रही हैं मोटरसाइकिलों की, और मोटरसाइकिल गांव में पैदल भ्रमण करके देखा कि गाड़ियों के नंबर भी नहीं डलते हैं। इस कारण से मैंने चेकिंग स्टार्ट करी और सभी कोशिश रही कि सभी गाड़ियों के नंबर डल जाए और जो चोरी की वारदात है वो कम। सर, अभी तक कितने चालान बने होंगे और कितना राजस्व आया होगा? अभी करीबन 40 करोड़ चालान बने होंगे, तो राजस्व देख के बता दें। ठीक है सर, कोई अपील आप जो बोलना चाहेंगे नगर? हाँ, मैं चाहता हूँ कि गांव वाले सभी अपने गाड़ियों पे नंबर प्लेट व्यवस्थित बना लें ताकि दिक्कत ना हो। बाहर से कोई गाड़ी आएगी तो मालूम पड़ जाएगी, और अपनी गाड़ियाँ जो बाहर खड़ी करते हैं उसको व्यवस्थित खड़ा करें, उसको व्हील लॉक लगाएं ताकि चोरी होने की संभावनाएँ कम रहती हैं उसमें। धन्यवाद सर।